30 दिसंबर 2020 का करंट अफेयर है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 30 दिसंबर का पहला प्रश्न है, लद्दाख को मिला क्या, वो लद्दाख को मिला अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र, किसको मिला, तो लद्दाख को मिला, लद्दाख को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र मिल गया देखिए लद्दाख का, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसके बारे में दिया गया कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को अपना पहला मौसम विज्ञान केंद्र मिला, इससे पहले लद्दाख श्रीनगर में स्थित मौसम विज्ञान केंद्र पर निर्देशित था। वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने लेह लद्दाख में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का उद्घाटन किया। IMD द्वारा अगले कारगिल, द्रास और स्टॉकना में 4 मौसम स्टेशन संचालित हो गए, जिसमें कि उनको ने चांगथंग, नुब्रा, जयशंकर, जोजिलिया और द्रास जैसे दूर दूर के स्थान शामिल हैं। अगला है, लेखिका मीना अय्यर ने लिखी सोनू सूद की आत्मकथा यम नौ मसीहा पुस्तक, किसने, तो लेखिका मीना अय्यर ने, तो लेखिका मीना अय्यर ने सोनू सूद के जीवन पर आधारित उनकी आत्मकथा यम नौ मसीहा लिखी। इस पुस्तक में उन्होंने COVID-19 लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद के द्वारा श्रमिक एवं प्रवासियों के लिए उठाए गए कदमों का वर्णन किया गया। मीना अय्यर द्वारा लिखित इस पुस्तक को इवरी प्रेस द्वारा क्या क्या जारी किया गया। अगला, पूजा देवी जम्मू कश्मीर की पहले महिला यात्री बस में, किसने, तो पूजा देवी ने, तो ये देखिए पूजा देवी जम्मू कश्मीर ने, जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के 30 वर्षीय महिला पूजा देवी राज की पहली महिला बस ड्राइवर बने। उन्होंने यह बस जम्मू से कठुआ मार्ग पर पहली बार चलाई और अन्य महिलाओं के लिए मिसाइल काम। पूजा देवी 3 बच्चे की माँ है। जम्मू कश्मीर की राजधानी का नाम क्या, श्रीनगर, और जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा है। अगला कि बिहार ने जीता डिजिटल अवार्ड 2020, किसने जीता, तो बिहार ने जीता। अगला, कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार राज्य को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार को यह सम्मान दिया। तो बिहार की राजधानी कहाँ, पटना। बिहार के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, तो फागू चौहान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला, हिमाचल प्रदेश का काजा करेगा राष्ट्रीय U20 आइस हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी। तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य के गाजा शहर में राष्ट्रीय U20 हॉकी टूर्नामेंट आयोजन कराया जाएगा। इस सप्ताह के शुरू में बर्फ की प्राकृतिक परतों से कॉमन गुना 61 मीटर के रिक का उद्घाटन किया गया, जो कि 3270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सर्दी का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो जयराम ठाकुर है। कौन है, जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है, बंदारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो शिमला, धर्मशाला में। अगला, क्रिस्टानियो रोनाल्डो को मिला दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड, किसको, तो क्रिस्टानियो रोनाल्डो को। तो जुवेंट्स के क्रिस्टानियो रोनाल्डो को ग्लोबल सॉकर अवार्ड में प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान वॉरियन मुख म्यूनिक के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी, लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को पछाड़ कर रखा गया, पुरस्कार अपने नाम कर लिया। अगला प्रश्न है कि मैयालु दुथाराई बना तमिलनाडु का 38वां नया जिला, कौन है, तो मलिया दुथाराई। तो तमिलनाडु राज्य के 38 जिलों के रूप में मल्लादुथराई को शामिल किया गया। इस जिले में स्थापना नागपट्टनम जिले के विभाजन करके नया जिला बना गया। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो के पलानीसामी। नए मल्लादुथराई जिला बनने की घोषणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। तो तमिलनाडु राज्य की राजधानी का नाम क्या है, तो चेन्नई है। इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो के पलानीसामी। अगला, विराट कोहली को मिला दशक का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का खिताब, किसको, तो विराट कोहली को। देखिए विराट कोहली को मिला। अगला, तो ICC ने क्रिकेटर विराट कोहली को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर नामित किया। इसी के साथ ICC ने टीम ऑफ द डिकेड के रूप में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नामित किया। तो ICC का मुख्यालय कहाँ है, तो दुबई में। ICC की स्थापना कब हुई थी, तो 1909 में। CEO कौन है, तो मनोज सहनी है। अगला है कि अंशु मालिक ने जीता विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजक पदक, कौन, तो अंशु मालिक। तो भारतीय पहलवान अंशु मालिक ने सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित विश्व कप कुश्ती चैंपियन में 57 किलोग्राम भार वर्ग में क्या क्या रजत पदक जीता। तो
इसमें इसका पे उन्होंने मोलदेवा अनास्तियानिया निकिता को 5-1 आगे क्या खिताब जीतने किया। रुकायरट्स एयरोस्पेस बने अग्रिम ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन लॉन्च करने वाली पहली भारतीय कंपनी। तो स्काईराइट्स एयरोस्पेस अग्रिम ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने वाली भारत की पहली कंपनी बनी। कंपनी ने इस रॉकेट इंजन का नाम कलाम 5 रखा। कंपनी ने इस तकनीक का उपयोग अपने पहले रॉकेट विक्रम 1 के लिए किया, जिसे दिसंबर 2021 में इसरो द्वारा क्या किया लॉन्च किया गया। कलाम 5 ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजनों की एक श्रृंखला है। इसमें क्या करेगा 5 kN से लेकर 1000 kN लगभग 100 tN तक के वजन ले जाने में सक्षम है। तो ये था आज का हमारा।